क्वेश्चन 10, गेट इलेक्ट्रिकल 2017, द फिगर बिलो शोस एन अनकंट्रोल्ड डायोड ब्रिज रेक्टिफायर सप्लाइड फ्रॉम ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज वन फेस एसी सोर्स, द लोड ड्रॉ ए कॉन्स्टेंट करेंट आई नॉट इक्वल टू 14 एम्पियर, द कंडक्शन एंगल ऑफ द डायोड डी वन इन डिग्रीज इज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, गेट 2017, अगेन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम है, ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे, एक ब्रिज रेक्टिफायर आपके पास अनकंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर सबके सब डायोड लगे हुए हैं, एक कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट गिवन है 14 एम्पियर गिवन है, द 1/4 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज से आरएमएस सोर्स वोल्टेज 220 वोल्ट है, और आप देख रहे होंगे कि इस फिगर में सोर्स इंडक्टेंस की वैल्यू 10 मिली हेनरी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस फिगर में सोर्स इंडक्टेंस का लगना। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था कि कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड डी1 कितना होगा आपके पास, तो हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सोर्स इंडक्टेंस के बिना क्या होता, तो सोर्स इंडक्टेंस के बिना एक ब्रिज रेक्टिफायर है कंटिन्यूस कंडक्शन विदाउट सोर्स इंडक्शन, विदाउट सोर्स इंडक्टेंस अगर मैं बात करूं तो हर डायोड जो कंडक्ट करेगा वो 180 के लिए कंडक्ट करता है, तो आपको एकदम आइडिया होना चाहिए कि कैसे आपके समझो फिगर बनाते हैं आपके पास, तो आपको पता ही है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड डी1 डी2 कंडक्ट करता है आपके पास, तो आउट टू वोल्टेज ये आपके पास बनता है, फिर आपके पास ये, फिर ये फुल वे रेक्टिफायर आपके पास हमको पता है डी1 डी2 कंडक्ट करेगा, फिर D3 D4 कंडक्ट करेगा आपके पास 2π 3π ωt, ये और कांस्टेंट करंट ही आउट वोल्टेज का फिगर हो गया। अगर मैं बात करूं कि सोर्स करंट का फिगर क्या होगा आपके पास, तो सोर्स करंट के फिगर की अगर हम बात करें तो सोर्स करंट के फिगर की बात अगर हम करें तो ये आपके पास फिगर होगा 0 से π π से 2π, फिर आपके पास ये फिगर ये और ये, क्या आपके पास सोर्स करंट जो होगा और पीरियोडिक स्क्वायर वेव फॉर्म होगा 14 एम्पियर और माइनस 14 एम्पियर होगा, ये D1 D2 ऑन होने के कारण हुआ था, ये D3 D4 ऑन होने के कारण हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूं कि विदाउट सोर्स इंडक्टेंस, अगर मैं कंडक्शन एंगल की बात करूं सोर्स इंडक्टेंस ना हो तो कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड कितना होगा आपके पास, अगर मैं बात कर रहा हूं कि गामा कितना होगा आपके पास, जो चाहे वो D1 हो चाहे D2 हो चाहे D3 हो चाहे D4 हो, वो 180 डिग्री होता है आपके पास। इसका मतलब है कि अगर सोर्स इंडक्टेंस नहीं होता तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आराम से 180 डिग्री दे सकते थे। ओके, बहुत सारे लोग एग्जाम में 2017 में 180, क्योंकि तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग 180 लगाए थे, तो बहुत सारे लोग इस सोर्स इंडक्टेंस को इग्नोर कर दिया है, तो कुछ लोगों को दिखा भी नहीं, तो आपको हमेशा क्वेश्चन का केयर करना है कि क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो रहा है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को यह पहले पता होना चाहिए कि विदाउट सोर्स इंडक्टेंस क्या इसके बारे में हम जानते हैं, तो ये हम जानते हैं विदाउट सोर्स इंडक्टेंस, लोड करंट जो है वो कांस्टेंट आपके पास करंट है, 14 एम्पियर करंट हमेशा फ्लो होते जा रहा है। ओके, अब होता है कि आपके पास डायोड से आपके पास अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि सोर्स इंडक्टेंस के इफेक्ट के कारण क्या होगा, तो जब सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट आता है तो आपको कुछ चीजों का आइडिया होना चाहिए सोर्स इंडक्टेंस के कारण। तो सोर्स इंडक्टेंस के कारण अगर मैं बात कर रहा हूं तो इमीडिएटली आपके पास रिजल्ट चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि D1 D2 ऑन हुआ तो D3 D4 ऑफ हो गया, और अगर D3 D4 ऑन हो गया तो D1 D2 ऑन हो गया, ऐसा नहीं होता आपके पास। लेकिन सोर्स इंडक्टेंस नहीं है तो बिल्कुल ऐसा होता है। तो हम लोग हमेशा मानते हैं आपके पास कि जब हम नॉर्मल डायोड को डील करते हैं तो सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट नेग्लिजिबल मानते हैं, हम लोग हमेशा मानते हैं कि इंस्टेंटेनियसली चेंज हो गया आपके पास, D1 D2 ऑन हो गया तो ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया तो ये ऑफ हो गया, इंस्टेंटेनियसली ट्रांजिशन हो जाता करंट का। ये देखो सोर्स करंट, देखो 14 एम्पियर और माइनस 14 एम्पियर, डायरेक्ट 14 से माइनस 14 एम्पियर सोर्स करंट हो गया। लेकिन अगर सोर्स इंडक्टेंस अगर है आपके पास, ये विदाउट सोर्स इंडक्टेंस लिखा है, अगर सोर्स इंडक्टेंस अगर है आपके पास तो अब आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि सोर्स इंडक्टेंस अगर है तो रिजल्ट क्या होगा आपके पास लोड करंट का, लोड करंट के रिजल्ट की बात करें तो लोड करंट का रिजल्ट आपके पास इस फॉर्म में होगा। चलो ऐसा मान लेता हूँ मैं, ये लोड करंट का रिजल्ट, ये आपके पास है, यहाँ से आपके पास अगर मैं डायोड है ना, SCR नहीं है, नहीं तो मैं फिर अल्फा भी इंक्लूड करता, यही से इंक्लूड कर लेता हूँ मैं ये और ये, ध्यान देते रहना आपके पास ये। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो है कांस्टेंट जो वैल्यू आपके पास ये I0 है, ये कांस्टेंट वैल्यू I0, ये जो वैल्यू आपके पास ये है म्यू, ये म्यू, ये इतने को आप म्यू बोल देते हैं, ओवरलैप डिले एंगल, ओवरलैप एंगल, ओवरलैप एंगल, ये फंक्शन ऑफ सोर्स इंडक्टेंस होता है, उसके कारण आया ये सोर्स इंडक्टेंस के कारण ओवरलैप एंगल एग्जिस्ट किया।
उसके बाद ये करंट कांस्टेंट है, तो आपके पास होगा क्या कि एक करंट आपके पास इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि अब हम बोले कि डी1 डी2 ऑन हो रहा है, तो ये आई डी1 करंट आपके पास इंक्रीज हो रहा है, आपके पास आई डी1 करंट और आई डी2 करंट अगर आपके पास है आई डी1 और आई डी3, तो मैं बोल सकता हूँ दिस टर्म रिप्रेजेंट द दिस टर्म रिप्रेजेंट आई डी3, ध्यान से देखते रहना ना, अच्छा कंसेप्ट है। और ये वाला जो करंट है आपके पास, ये वाला करंट, ये आपके पास हो गया आई डी1। तो अब सोर्स इंडक्टेंस के कारण क्या होता है कि जो करंट का जो ट्रांजिशन होता है वो इंस्टेंटेनियसली नहीं होता है, करंट को टाइम लगेगा आपके पास, क्योंकि आपके पास सोर्स इंडक्टेंस आ गया, तो उसके कारण सोर्स इंडक्टेंस का, तो वैसे भी आप जानते हो कि इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट अपोजिट द चेंज ऑफ करंट, तो इमीडिएटली चेंज नहीं होने, ऐसे इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता, 14 से माइनस 14 हो गया, माइनस 14 से प्लस 14 हो गया, सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट अगर आप नेग्लिजिबल ले रहे तब ऐसा हो सकता है, बट अगर है तो फिर आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। देखो आपके पास तो क्या होगा जब D1 D2 आपके पास कंडक्ट करने वाला होगा, तो ये देखो करंट आपके पास ये D1 D2 के कारण जो होगा ID1, D1 करंट बढ़ते जा रहा है और I नॉट हो जा रहा है म्यू के बाद, और ये आपके पास है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, ये आपके पास पाई हुआ, फिर आपके पास ये पाई प्लस म्यू है, फिर ये आपके पास 2 पाई है, तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे आपके पास D1 D2 ऑन होंगे, यहाँ पे D3 D4 ऑन होंगे, बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ओवरलैप डिले एंगल था तो आपके पास क्या था कि D1 D2 कंडक्ट हो रहा और D3 D4 जो कंडक्ट था वो भी जा रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे अगर मैं बोलूं कि क्या क्या ऑन है आपके पास, तो D1 D2 D3 D4 ये चारों के चारों कंडक्ट कर रहे म्यू तक, फिर पाई से लेके पाई प्लस म्यू तक ये फिर कंडक्ट कर रहे D1 D2 D3 D4, देखो ना करंट जीरो नहीं है, ये आपके पास जो ID1 था आपके पास ये वाला जो करंट ID1 था, ये ID1 करंट पहले से इंक्रीज हो रहा था फिर कांस्टेंट, फिर आईडी1 अब डिक्रीज हो रहा है और आईडी2 इंक्रीज हो रहा है, ये आपके पास जो करंट है वो आईडी2 करंट है, थोड़ा सा फिगर को अच्छे से क्लियर करना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ध्यान से अगर देखूं तो कोई भी डायोड, अगर डायोड का आपका कंडक्ट कितने कर रहा है, देखो म्यू तक कंडक्ट कर रहा है, फिर D1 कंडक्ट कितना कर रहा है, देखो आपके पास पाई तक कंडक्ट कर रहा है, तो पाई हो गया और फिर D1 कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी एक डायोड को अगर आप यहां से यहां तक देख रहे हो, यहां से यहां तक, तो देखो आपके पास कंडक्शन हो रहा है 180 तो होता ही है प्लस म्यू, तो किसी भी डायोड का क्वेश्चन में तो D1 लिखा है, चाहे D1 हो चाहे D2 हो चाहे D3 हो चाहे D4 हो, किसी भी डायोड का जो कंडक्शन एंगल होता है जब आपके पास सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट कंसीडर करते हैं, तो जो कंडक्शन एंगल होता है ऑफ एनी डायोड दिस विल बी 180 डिग्री प्लस म्यू, ये होता है आपके पास, तो आपको ओवरलैप एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और मैं थ्योरेटिकल तो बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं अगर क्लासरूम में होता तो मैं अभी बहुत आराम से 1 आवर्स इवन मैं 2 आवर्स बात करते रहता, इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस डिराइव करता, पूरे रिजल्ट की बात करता आपके पास कैसे डिराइव्ड होता है आपके पास, और भी बहुत देर तक बात करता, बट मैं आपको एकदम अच्छे फॉर्म में क्लियर कर रहा हूं कि आपको क्या क्या आइडिया होना चाहिए, ओके, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन के थ्रू आपके पास कवर कर रहा हूं इस वाले पार्ट को। अब अगर मैं बात करूं कि सोर्स करंट का फिगर क्या होना चाहिए आपके पास, सोर्स करंट का फिगर, नॉर्मली सोर्स करंट के फिगर बने नहीं होते, सोर्स करंट के फिगर नॉर्मली बने नहीं होते, तो ये बहुत ही अच्छा आपके पास आइडिया होना चाहिए कि सोर्स करंट का फिगर कैसे होता होगा इस केस में, जब ओवरलैप वाला पार्ट होता होगा और कंटिन्यूस कंडक्शन भी आप बोल रहे हो उस केस में, क्लियर। नहीं तो सोर्स करंट तो आपके पास बाइपोलर एक स्क्वायर वेव फॉर्म बन जाता है, बट इस केस में क्या होता होगा देखो, ध्यान से देखते हैं, चलो यहां पे आते हैं वापस, देखो अब क्या हो रहा है आपके पास यहां पे सोर्स करंट, ये सोर्स करंट है अब क्या हो रहा है कि डायोड आपके पास कंडक्ट कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि चलो D1 आपके पास कंडक्ट हुआ, D1 इंक्रीज होना चालू हुआ, सपोज करो D1 आपके पास इंक्रीज होकर 1 एम्पियर हो रहा है और D3 तो पहले 14 एम्पियर था, तो D3 की जो वैल्यू आपके पास D3 और D4 की वो 13 एम्पियर है, ये D1 D2 जो आपके पास ऑन हो रहा है इसकी वैल्यू 1 एम्पियर है और ये D4 की वैल्यू आपके पास 13 एम्पियर है, तो हुआ क्या 14 एम्पियर यहां तक पहुंचा और 14 एम्पियर 2 में डिवाइड हो रहा है, एक D2 जो अभी कंडक्ट कर रहा है आपके पास, अभी कंडक्ट जो इंक्रीज हो रहा है आपके पास D1 D2, सपोज करो करंट बढ़ के 1 एम्पियर हुआ और ये जो करंट था ऑलरेडी 14 था, कम होके 13 एम्पियर हुआ, तो ये डिक्रीज होके 13 एम्पियर हुआ और ये इंक्रीज होके 1 एम्पियर हो गया, तो ये करंट हमेशा सेटिस्फाइड करेगा। अगर मैं यहां से बात करूं देखो 13 एम्पियर है, यहां से कितना जा रहा 1 एम्पियर, अगर मैं बोलूं कि जगह पे नोड लगाओ, आप इस जगह पे नोड लगाओ, तो देखो क्या होगा IS की वैल्यू क्या होगा, IS इनकमिंग ओके 13 एम्पियर इनकमिंग ओके आउटगोइंग 1 = 0, तो IS की वैल्यू कितना हो गया देखो -12 एम्पियर आ गया, कितना आ गया आपके पास -12 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स करंट की अगर मैं बात करूं आपके पास, तो सोर्स करंट आपके पास क्या होगा माइनस, यहां पे आपके पास सोर्स करंट के फिगर की बात करूं तो नेगेटिव करंट होगा। इसके बाद क्या होगा थोड़ी देर में, क्या होगा थोड़ी देर की अगर मैं बात करूं तो ये करंट आपके पास चेंज होते जाएगा, आपके पास यहां से अगर मैं बात करते जाऊं तो ये करंट आपके पास इंक्रीज होते जाएगा और यहां से अगर मैं बात करूं तो थोड़ी देर में क्या होगा कि ये 2 एम्पियर हो गया आपके पास, ये 2 एम्पियर हो गया, ये फिर 14 आपके पास हो गया, तो ये जो करंट की वैल्यू होगी, सोर्स करंट की जो वैल्यू होगी आपके पास, फिर ये करंट डिक्रीज होते होते आपके पास क्या होगा कि जो D1 का जो करंट होगा
वो पूरा 14 हो जाएगा और सोर्स करंट इक्वल टू डी वन करंट बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सोर्स करंट का जो करंट होगा आपके पास, ये ऐसा करंट माइनस 12 से स्टार्ट होकर आपके पास ये देखो ये ऐसा बन जाएगा, ये फिर आपके पास 14 एम्पियर यहाँ से आपके पास चल रहा है, ये फिर सोर्स करंट की वैल्यू आपके पास पूरा का पूरा जब D3 और D4 जब आपके पास ऑफ हो जाएगा, D1 D2 कंडक्ट कर जाएगा इस जगह पे म्यू पे, D3 D4 का जो करंट है 0, D1 D2 करंट ये हो जाएगा, यही सोर्स करंट बन जाएगा, तो ऐसा आपके पास करंट चलता रहेगा यहाँ। उसके बाद आपके पास इस जगह पे आपके पास अगर मैं बात कर रहा हूँ इस जगह पे ये ऐसा हुआ, फिर आपके पास यहाँ से करंट आपके पास कॉन्स्टेंट, फिर इस जगह पे करंट ऐसा होगा, इसका मतलब ये सोर्स करंट का फिगर ये बनेगा आपके पास, ये देखो। तो ये बाइपोलर स्क्वायर वेव फॉर्म है कि नहीं, बाइपोलर स्क्वायर वेव फॉर्म नहीं है। तो सोर्स करंट जब इफेक्टिव होता है, सोर्स करंट जब इफेक्टिव होता है ना, तो इस केस में जब सोर्स करंट नहीं, सोर्स इंडक्टेंस जब इफेक्टिव होता है तो सोर्स करंट का वेव फॉर्म ये होता है आपके पास ये। और यहां से अगर मैं बात करूं आपके पास, तो देखो अगर यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि ये पूरा म्यू है, तो लगभग म्यू बाय 2 पे आपके पास ये क्रॉस करता है, म्यू बाय 2 पे क्रॉस करता है जीरो एक्सिस लाइन को, जो कि सोर्स वोल्टेज आपके पास जो क्रॉस करता है आपके पास जो जीरो वाली लाइन को क्रॉस करता है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं कि फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर या फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर का रिजल्ट कितना होता है, तो कई बुक में लिखा रहता है कॉस अल्फा प्लस म्यू बाय 2 इन केस ऑफ कंट्रोल रेक्टिफायर और कॉस म्यू बाय 2 इन केस ऑफ अनकंट्रोल रेक्टिफायर, अल्फा इक्वल टू 0 अनकंट्रोल रेक्टिफायर। अगर किसी को अगर बहुत डिटेल में बात करना है, तो अभी हमारा क्वेश्चन तो इस पे बेस नहीं था, हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं आपके पास, ये मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं कि सोर्स करंट का फिगर क्या होगा, तो देखो ऐसा फिगर होगा आपके पास, ओके। तो सोर्स करंट का फिगर इस केस में ये फिगर नहीं होगा, ये फिगर तब होता है आपके पास जब सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट नहीं होता है, तब ये फिगर होता है, ठीक है। अब मैं आता हूं ओरिजिनल में कि आपके पास ये तो हो गया, एक फिगर का स्टाइल हो गया, इसके कारण डायोड कंडक्ट 180 प्लस म्यू करता है। तो हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा चीज और आप नोट करके रख सकते हो, ये कंट्रोल रेक्टिफायर या अनकंट्रोल रेक्टिफायर, ये आपके काम की चीज है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी 180 प्लस म्यू इसका मतलब है, ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन था। अब 180 प्लस म्यू है तो आपको फिर म्यू की वैल्यू पता होना चाहिए, तो म्यू की वैल्यू फिर आप कैसे पता करोगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि म्यू की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है, ऊपर से सोर्स इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है, तो फिर मेरे को रिजल्ट पता होना चाहिए कि विदाउट सोर्स इंडक्टेंस रिजल्ट क्या क्या होता है। तो विदाउट सोर्स इंडक्टेंस अगर मैं बात करूं, विदाउट LS अगर मैं बात करूं कि विदाउट LS आपके पास रिजल्ट क्या होता है, तो विदाउट LS जो रिजल्ट होता है एवरेज आउटपुट वोल्टेज का, वो होता है आपके पास 2Vm/π cos α, जी 2Vm/π cos α फॉर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और अनकंट्रोल की बात करूं तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है 2Vm/π, α इक्वल टू 0, ये अनकंट्रोल रेक्टिफायर, हम तो अनकंट्रोल पढ़ रहे हैं, ये अनकंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। अगर मैं विथ LS की बात करूं कि विथ LS क्या क्या होता है आपके पास सोर्स इंडक्टेंस में, तो V नॉट का जो रिजल्ट होता है वो होता है आपके पास Vm/π cos α + cos α + μ, ये एक रिजल्ट, एक रिजल्ट होता है आपके पास 2Vm/π cos α, और इसमें से डिक्रीज जो होता है ये होता है 4FLS I0, ये दोनों ही रिजल्ट सेम है, बहुत रिजल्ट आर सेम, बट ये किसके लिए, अगेन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के लिए आपके पास, जब मैं कंट्रोल रेक्टिफायर की बात करूंगा, SCR की बात करूंगा, दैट मीन्स थायरिस्टर की बात करूंगा, ये रिजल्ट ये किसी को पता होना चाहिए। बट अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर ये अनकंट्रोल्ड है, अगर अनकंट्रोल्ड है तो आपके पास क्या हुआ, अगर ये आपके पास अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है तो अल्फा की वैल्यू 0 हो गया, तो ये पूरे के पूरे 1 हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि इस रिजल्ट को आप चेंज करके लिख सकते हो, ये अल्फा 0 तो 1, 1 प्लस म्यू होता है आपके पास रिजल्ट, ये आपके पास होता है 1 प्लस cos μ, ये रिजल्ट होता है आपके पास अनकंट्रोल रेक्टिफायर विद सोर्स इंडक्टेंस, ये रिजल्ट होगा कॉस अल्फा, अल्फा 0 तो 2Vm/π - 4FLS I0। तो आपको रिजल्ट भी थोड़े बहुत कंपेयर करते आना चाहिए जब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, और स्पेशली सोर्स इंडक्टेंस के केस में, क्योंकि आप इतना बड़ा डिराइव तो करोगे नहीं, तो सोर्स इंडक्टेंस के रिजल्ट पता होना चाहिए। अभी हम अनकंट्रोल पढ़ रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट ये हो गया और ये रिजल्ट हो गया Vm/π 1 + cos μ। अब मेरे को म्यू तो पता नहीं है, तो मैं फाइंड आउट करना है एवरेज आउटपुट वोल्टेज। देखो मैं यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं कि कितना ड्रॉप हुआ, क्योंकि सोर्स इंडक्टेंस के कारण क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज यहां तक 0 होता है। अगर मैं बोलूं कि आउटपुट वोल्टेज यहां तक कितना होगा, 0 होगा, और उसके बाद ही फिगर बनेगा, तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होता है ड्यू टू सोर्स इंडक्टेंस, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होगा। तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वी नॉट का रिजल्ट, यहां से वी नॉट के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, पूरा हटा रहा हूं रिजल्ट, वी नॉट के रिजल्ट की बात करूं, तो आपको क्या क्या रिजल्ट यूज करना है, आपको रिजल्ट यूज करना है ये वाला रिजल्ट कि वी नॉट इक्वल टू कितना होगा 2Vm/π, 2 Vm का रिजल्ट कितना हो गया आपके पास 220 वोल्ट है, तो 220√2 RMS√2 किया डिवाइड बाई π 3.14 - 4 फ्रीक्वेंसी 50
आई नॉट की वैल्यू 14 एम्पियर था और एलएस की वैल्यू कितना था, सोर्स इंडक्टेंस की वैल्यू 10 मिली हेनरी, 10 × 10⁻³। ये आपके पास एवरेज आउट टू वोल्टेज आ जाता। इस एवरेज मेरे पास रिजल्ट लिखा होगा, एवरेज आउट टू वोल्टेज का रिजल्ट मेरे पास होगा, तो एवरेज आउट टू वोल्टेज का रिजल्ट अगर आप निकालोगे तो ये रिजल्ट आ रहा था 184.07। सॉल्व कर लेंगे 184.07 वोल्ट, ये एवरेज आउट वोल्टेज का रिजल्ट है। इससे निकालेंगे आप, ये पता होना चाहिए, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपको ये नहीं पता है तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को इसमें पुट करो कि 184.07 इक्वल टू क्या होगा, तो वीएम बाई पाई होगा। वीएम मतलब 220√2 / π 3.14 इन ब्रेकेट 1+cos μ, और यहां से आपके पास म्यू की वैल्यू फाइंड आउट होगी, ओवरलैप डिले एंगल की वैल्यू, और ये आपके पास 44.2 डिग्री के आसपास आएगा। इतना आएगा सॉल्व करने से, 44.18 समथिंग कुछ 44.2 डिग्री आपके पास ओवरलैप डिले एंगल की वैल्यू आएगी इस जगह से। इसका मतलब है कि आपको जबरदस्त कंसेप्ट पता होना चाहिए, जबरदस्त रिजल्ट का यूज करते आना चाहिए। नंबर ऑफ रिजल्ट बहुत सारे आपको क्रिएट नहीं करना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे बेस है क्वेश्चन, उतना आपको पता होना चाहिए। दैट मींस ये रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट था। बट अब आपके पास जब हम पावर टाइम्स पढ़ते तो हमारे पास सब कंट्रोल कंट्रोल्ड होता है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम अनकंट्रोल क्वेश्चन का फ्रेम कर देते हैं, तो फिर अनकंट्रोल को हैंडल करते आना चाहिए। देखो ये रिजल्ट हो गया अल्फा 0। इस रिजल्ट को मैं चेंज कर लिया, पहले इससे यूज किया, एवरेज आउट वोल्टेज निकला, इसकी हेल्प से देखो मैं म्यू निकाल लिया। बट किसी क्वेश्चन में अगर ओवरलैप डिले एंगल है तो आप इस रिजल्ट की हेल्प से एवरेज आउट वोल्टेज भी निकाल सकते हो। देखो म्यू निकल गया, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 180+μ, और 180+μ में म्यू की वैल्यू 44.2 के आसपास, तो ये आ गया 224.2 डिग्री। ये आपके पास था 224.2 डिग्री। आईटी का आंसर भी ये था, न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन था, तो ये 224.2 डिग्री आपको पुट करना था। ये आपके पास डायोड का कंडक्शन है, तो D1 पूछा था, अगर वो D2 पूछते, D3 पूछते, D4 पूछते, कुछ भी पूछते, आपको ऐसा सॉल्व करते आना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं कि हमको अच्छे फॉर्म में सब कुछ पता होना चाहिए कि सोर्स इंडक्टेंस के इफेक्ट के कारण एक सोर्स करंट का फिगर क्या होता है, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर आपके पास क्या होता है। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि हमारे क्वेश्चन पे तो डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ये आप एक्स्ट्रा चीजों को भी रेडी करके रखे रहे, ठीक है। तो एवरेज आउट टू वोल्टेज की मैं रिजल्ट लिखा आपके पास, विदाउट सोर्स इंडक्टेंस लिखा, अनकंट्रोल लिखा, कंट्रोल लिखा, विद सोर्स इंडक्टेंस लिखा, अनकंट्रोल लिखा, कंट्रोल लिखा। तो आपको पता होना चाहिए कि इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस क्या होता है, एवरेज आउट टू वोल्टेज डिक्रीज होता है, क्लियर। ये आपके पास इफेक्टर से देखो, जो मैक्सिमम आउट टू वोल्टेज था यहाँ पे, एवरेज आउट वोल्टेज डिक्रीज हो गया इस फैक्टर से, ये क्लियर रहना चाहिए। 4F LS I0, ये रिजल्ट आपके पास, ठीक है। तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस बार 2017 में जो आया था, जो पहली बार था, इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं आया कि डायोड का कंडक्शन एंगल कितना होगा। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन की बात कोई किया नहीं, इसके पहले कभी नहीं किया, इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जितने लोग भी एग्जाम दे रहे थे, बट जिन लोग को अच्छे से प्रिपरेशन करते ऐसे क्वेश्चन को भी वो हैंडल कर सकते, ओके। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ओके, थैंक यू। क्वेश्चन 11, गेट इलेक्ट्रिकल 2017। इन द सर्किट शोन द डायोड्स आर आइडियल, द इंडक्टेंस इज स्मॉल एंड आई नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन, D1 कंडक्ट्स फॉर ग्रेटर देन 180 डिग्री, D2 कंडक्ट्स फॉर ग्रेटर देन 180 डिग्री। सेकंड ऑप्शन, D2 कंडक्ट्स फॉर मोर देन 180 डिग्री, D1 कंडक्ट्स फॉर 180 डिग्री। थर्ड ऑप्शन, D1 कंडक्ट्स फॉर 180 डिग्री, D2 कंडक्ट्स फॉर 180 डिग्री। लास्ट ऑप्शन, D1 कंडक्ट्स फॉर मोर देन 180 डिग्री, D2 कंडक्ट्स फॉर 180 डिग्री। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बाय 11, गेट 2017, अगेन 2017 लिया। तो इस 2015 से 17 के बीच में बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम हुए पावर टाइम्स के, तो आपको आइडिया रहना चाहिए। देखो एक फिगर दिख रहा होगा आपके पास, D1 और D2 दिख रहा होगा, एक कांस्टेंट करंट सोर्स आपके पास बना है I0 करंट, और ये एक सोर्स इंडक्टेंस है आपके पास, एक VS है, और बोला कि I0 की वैल्यू 0 एम्पियर, I0 नॉट इक्वल टू 0 एम्पियर आइडियल डायोड्स है, और क्वेश्चन में था कि D1 और D2 का कंडक्शन आपके पास कितना होगा। ऑप्शन थे आपके पास कि D1 कंडक्ट फॉर मोर देन 180 डिग्री, D2 कंडक्ट फॉर मोर देन 180 डिग्री, या बोथ कंडक्ट फॉर 180 डिग्री, और एक 180 प्लस एक्स्ट्रा प्लस दूसरा 180, या फिर इंटरचेंज, ऐसे करके 4 ऑप्शन फ्रेम थे। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था आपके पास, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं था जिसमें कुछ कैलकुलेशन करना था, जस्ट आपके पास क्वेश्चन था। तो अगेन आपके पास अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर टाइम्स में आप समझ सको कि क्या लिखा हुआ है। अगर मैं इसके बिना बात करूं, ये सोर्स इंडक्टेंस है, इसके बिना बात करूं तो क्या होगा, इसके बिना बात करूं आपके पास एक एसी सिग्नल से आपके पास Vm sin ωt, और अगर सोर्स इंडक्टेंस नहीं होता तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 ऑन होगा आपके पास। ये आपके पास अगर मैं ओमेगा टी की बात करूं, डायोड D1 और D2 की बात अगर मैं कर रहा हूं, सर्किट की बात कर रहा हूं आपके पास कि सर्किट क्या होगा आपके पास, ठीक है।
अगर मैं बोल रहा हूं कि जीरो से लेके पाई तक में क्या होगा, तो जीरो से लेके पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डी वन ऑन होगा, और जब डी वन ऑन होगा और डी टू ऑफ होगा, क्योंकि सिग्नल पूरा कनेक्ट होगा, सोर्स इंडक्टेंस की बिना बात कर रहा हूं, सिग्नल कनेक्ट हुआ, डी वन ऑन हुआ, सिग्नल यहां पर आ गया, ये ऑफ, और आपके पास एक करंट फ्लो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो सर्किट होगा एक सोर्स और ये एक आरएल नेटवर्क, सपोज करो द सोर्स आरएल नेटवर्क, एक आरएल नेटवर्क वेयर इंडक्टेंस हाईली इंडक्टिव लोड है, उसके कारण कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, तो एक सोर्स नेटवर्क होगा, सोर्स आरएल नेटवर्क होगा, आरएल सर्किट होगा, इसका मतलब ये चार्जिंग सर्किट होगा, चार्जिंग सर्किट होगा, तो ये चार्ज करेगा आपके पास, ये चार्ज करेगा। पाई से टू पाई में क्या होगा आपके पास, पाई से टू पाई में आपके पास क्या होने वाला है कि आप ये एनर्जी स्टोर कर लिया पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये आपके पास आरएल सर्किट है, लोड है आपके पास, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, सपोज करो रिपल फ्री लोड करंट है, ये एनर्जी स्टोर कर लिया पॉजिटिव हाफ साइकिल में, अब इसको एनर्जी को रिलीज करना है, तो रिलीज करने के लिए डिस्चार्जिंग सर्किट चाहिए, डिस्चार्जिंग मतलब सोर्स फ्री सर्किट चाहिए, तो उस केस में क्या होने वाला है, यहां पे आपके पास एक आरएल सर्किट है, इंडक्टर का वोल्टेज नेगेटिव होगा, उसके कारण ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये डायोड आपके पास ऑन हो जाएगा, तो डी टू ऑन, और जो डी वन है वो डिसकनेक्टेड हो गया, डी वन ऑफ, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं हम लोग, तो उस केस में आपके पास ये जो फिगर होगा द सोर्स फ्री आरएल सर्किट, आरएल सर्किट मान लिया मैं, और ये होगा डिस्चार्जिंग सर्किट, तो कंसेप्ट यही होता है आपके पास, डिस्चार्जिंग सर्किट। ओके, इस वाले डायोड को फ्री विलिंग डायोड भी बोला जाता है आपके पास, द फ्री विलिंग डायोड, ये आपको मेंटेन करता है कि लोड करंट आपके पास कांस्टेंट, एक नॉर्मल डायोड ही है आपके पास, बट हम आउटपुट में लगा रहे हैं, और ये डिस्चार्जिंग सर्किट के पाथ को आपके पास प्रोवाइड कर रहा है, एक प्रॉपर सर्किटरी को मैनेज करने में काम आ रहा है, अदरवाइज क्या होगा, एक सिंगल डायोड से आप कभी भी कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री कभी भी फॉर्म नहीं कर सकते हो, और मेरे को फुल कन्वर्टर नहीं बनाना, मेरे को एक सिंगल डायोड सर्किटरी से बनाना, तो मैं क्या किया, लोड में एक पैरेलल में एंटी पैरेलली डायोड कनेक्ट कर दिया, एन टू पी कनेक्ट कर दिया, अब एन टू पी कनेक्ट हो गया तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो जो इंडक्टर होगा उसका जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, दैट मीन द पोलैरिटी चेंज होगा इंडक्टर वोल्टेज का, उसके कारण डायोड ऑन, और ये सोर्स फ्री आरएल नेटवर्क फॉर्म हो जाएगा, और सोर्स फ्री आरएल नेटवर्क डिस्चार्जिंग सर्किट होता है, इंडक्टर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डी वन कंडक्ट करने के बाद जो इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा था वो एनर्जी को रिलीज कर देगा नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में। ओके, तो ये डिस्चार्जिंग सर्किट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वेव फॉर्म की बात करूं, आई डी वन और आई डी टू की बात करूं, तो क्या हो रहा था, यहां पर डी वन आपका ऑन था तो आई डी वन की वैल्यू आई नॉट के बराबर था, यहां पर डी टू ऑन हो रहा है तो आई डी टू की वैल्यू आई नॉट के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर मैं बात करूं तो आई डी वन का फिगर कैसे होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर जीरो, पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर जीरो, ये देखो आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये आई डी वन ये आई नॉट करंट की वैल्यू। अगर मैं आई डी टू करंट की बात करूं तो आई डी टू करंट का फिगर ऐसे होगा, ये आपके पास जीरो, फिर ये पाई से टू पाई, फिर ये जीरो, फिर टू पाई से थ्री पाई, ये पाई, ये टू पाई, ये थ्री पाई, ये कंटिन्यूस कंडक्शन है इसलिए आपके पास ये फिगर ऐसा दिख रहा है आपके पास, ये आई नॉट की वैल्यू, ये आई डी टू, ये फ्री विलिंग डायोड का आपके पास वेवफॉर्म। तो कभी कोई बोले कि उस डी वन का वेवफॉर्म बनाओ, ये फिगर होगा, ये डी वन का वेवफॉर्म, ये डी वन ऑन है यहां पे, यहां पे डी वन ऑफ, फिर यहां पे डी वन ऑन, ये आपके पास ये डी वन का वेवफॉर्म है। तो क्यों कंटिन्यूस कंडक्शन की बात की जाती है, क्योंकि कोई मैं से बोल सकता है कि डी वन का एवरेज वैल्यू बताओ, निकाल लेंगे, डी वन का आरएमएस वैल्यू बताओ, निकाल लेंगे, फ्री विलिंग डायोड या डी टू है ना, वो लोग बहुत बार फ्री विलिंग डायोड टर्म यूज नहीं करते, क्लियर, आपको पता होना चाहिए कि फ्री विलिंग डायोड लगा है लोड के क्रॉस में, तो फ्री विलिंग डायोड का एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू। तो जब कंटिन्यूस कंडक्शन होता है तो कैलकुलेशन के लिए बहुत सारी चीजें होती है आपके पास, और अगर कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री ना हो, रिपल फ्री स्पेशली रिपल फ्री ना हो, तो फिर ये सब जो वेवफॉर्म होंगे वो ऐसे करके वेवफॉर्म होंगे, ये जो वेवफॉर्म होंगे ऐसे करके होंगे, तो यहां पे फिर मैं एवरेज और आरएमएस वैल्यू इतने अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री में मैं बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकता हूं। ओके, ये पूरा का पूरा कब हुआ, ये पूरा का पूरा इफेक्ट तब हुआ जब आपके पास सोर्स इंडक्टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं था, इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस जो था वो नेग्लिजिबल था आपके पास। तो अगर इस क्वेश्चन में एलएस नहीं होता तो डी वन कंडक्ट करता 180 के लिए, डी टू कंडक्ट करता 180 के लिए, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करता जब इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर रहा था, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करता जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज कर रहा था। ओके, तो दोनों 180 के लिए कंडक्ट करते, बट ये सोर्स इंडक्टेंस लगा था। तो सोर्स इंडक्टेंस में क्या होता है, सोर्स इंडक्टेंस में आपके पास जो डी वन कंडक्ट करेगा डी टू कंडक्ट करेगा। चलो ये पिछले क्वेश्चन का मैं फिगर यूज कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ये पिछले क्वेश्चन का मैं फिगर यूज कर रहा हूं, डी वन कंडक्ट करेगा आपके पास यहां पे और डी टू कंडक्ट करेगा आपके पास यहां पे, ये, लेकिन यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां पे डी वन डी टू दोनों कंडक्ट कर रहे हैं आपके पास,
यहां पे अगर मैं बात करूं तो डी वन डी टू दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डी वन के कंडक्शन की बात करूं तो डी वन 180 प्लस म्यू कंडक्ट करेगा, और डी टू के कंडक्शन की बात करूं तो डी टू भी यहां से यहां तक आपके पास, अगर मैं इधर आगे की बात करूं ये कंडक्ट, फिर यहां पर डी वन डी टू कंडक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है ये देखो आपके पास डी वन इतना कंडक्ट किया, और डी टू की बात करूं तो डी टू भी यहां से यहां तक 180 प्लस म्यू कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि सोर्स इंडक्टेंस के कारण, अभी सोर्स इंडक्टेंस का कंसेप्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो मैं यूज कर रहा था, अभी मैं स्टोरी की बात कर रहा था इसके जस्ट पहले वाले में, तो ये पूरा सुन ही रहे थे आप कि ये जो करंट है आपके पास ये आईडी वन करंट है, और ये वाला करंट आपके पास आईडी टू करंट है, फ्री व्हीलिंग डायोड वाला करंट, ठीक है, ये आपके पास आईडी वन करंट और ये आपके पास आईडी टू करंट, ठीक है, लास्ट टाइम में ये यहाँ पे मिस्टेक आपके पास हो गया था, आईडी वन और आईडी टू सेम करंट था ना वहां पे, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था, अभी सही एकदम कि अभी आपके पास आईडी वन करंट ये वाला आपके पास ये डिक्रीज हो रहा है, फिर आईडी टू करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जब मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें 4 डायोड्स थे, डी वन डी टू डी थ्री डी फोर, तो अब आपके पास अगर मैं बोलूं कि डी वन कंडक्ट कितने के लिए करेगा तो 180 प्लस म्यू के लिए करेगा, डी टू कंडक्ट 180 प्लस म्यू के लिए करेगा, तो जब भी सोर्स इंडक्टेंस इन्वॉल्व होगा तो आपके पास डी वन डी टू आपके पास जब ये दोनों ही ऑन होंगे आपके पास, तो एक साथ दोनों ऑन हो सकते हैं, और फिर आई नॉट करंट की वैल्यू आपके पास, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए कि अगर सोर्स इंडक्टेंस अगर इन्वॉल्व है तो करंट इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा, करंट का ट्रांजिशन जो स्विचिंग है वो इमीडिएटली नहीं होगा, इंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, और अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो करने से दोनों डायोड्स को ऑन कर सकता है 180 से ज्यादा, क्लियर, तो ये जो टाइम होता है जिस टाइम में दोनों ही डायोड कंडक्ट करते हैं इसी टाइम को हम ओवरलैप डिले एंगल बोलते हैं, और इस ओवरलैप डिले एंगल को फिर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे ये हाफ वेव रेक्टिफायर है यहां पे जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में भी मैं ओवरलैप डिले एंगल के रिजल्ट को यूज कर सकता हूं, क्लियर, तो मेरे को हर जगह अच्छे से यूज करते आना चाहिए कि मेरा कंसेप्ट क्या है करके, ठीक है, तो ये D1 कंडक्ट फॉर 180 प्लस म्यू, D2 कंडक्ट फॉर 180 प्लस म्यू, तो ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस फिगर को आप कैसे देख पा रहे हैं, तो याद रखिएगा जब भी आप एक पावर के रेक्टिफायर का क्वेश्चन देख रहे हैं तो सोर्स इंडक्टेंस अगर लगा है इसका मतलब है इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस में आपकी कमांड होना चाहिए, क्लियर, बाकी फिर आपको पंकज शुक्ला सर तो आपको फिर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थ्योरेटिकल डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो वो आपको इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस के बारे में इन जनरली थ्योरेटिकल वाली बात करेंगे, मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन किया वो आपको इन जनरली डिस्कस करेंगे, तो आपको वैसे भी उनका जो थ्योरेटिकल आप देखोगे कि इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस कैसे होता है तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको आइडिया होगा, है ना, मेरा फॉर्म ये है कि मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको अगर क्वेश्चन के थ्रू अगर आइडिया लेना है तो इन सब पॉइंट्स को अपन कवर कर सकते हैं, क्लियर, तो ये मेरा क्वेश्चन था इस टॉपिक का, फेस अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का ये लास्ट क्वेश्चन था, मैं लगभग 11 क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट किया और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 11 क्वेश्चन के बाद आप एक अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर को थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, फिर नेक्स्ट में जब मैं कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की बात करूंगा तो अगेन मैं परफॉर्मेंस की बात करूंगा, जो पॉइंट्स थे अगेन उनकी बात करूंगा, थायरिस्टर की बात करने वाला हूं क्योंकि अल्फा को इन्वॉल्व करूंगा, अभी आज का जो पूरा का पूरा जो हमारा ये पोर्शन था पहला वाला पोर्शन इसमें अल्फा इन्वॉल्व नहीं था बट मैं अल्फा को इन्वॉल्व करूंगा, तो अगर आप इतनी सारी चीजों को 1 by 1 अगर देख तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, तो आपके माइंड से ये क्वेश्चन आप हटा देना कि एग्जाम में सिर्फ कंट्रोल रेक्टिफायर आता है, नहीं, एग्जाम में अनकंट्रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कंट्रोल रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट है, अलग बात है कि पावर टाइम्स की जितनी बुक लिखी गई है वो मैक्सिमम कंट्रोल रेक्टिफायर पे लिखी गई है, तो आप अपनी प्रिपरेशन मोड में अनकंट्रोल रेक्टिफायर को भी वेटेज उतना ही देना जितना आप कंट्रोल रेक्टिफायर को वेटेज दोगे, ओके, तो फिर मैं जो नेक्स्ट सेशन होगा वो कंट्रोल रेक्टिफायर का अपन स्टार्ट करेंगे, आपको जैसा लगा होगा आप बिल्कुल बताइएगा कमेंट्स में, आपके पास आप लिखिएगा कि आपको जैसा इस जो पूरा इस जो ड्यूरेशन था अनकंट्रोल रेक्टिफायर का वो कितने अच्छे से क्लियर हुआ, कुछ अगर आपके डाउट्स होंगे तो, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉर्मली डाउट्स बहुत ज्यादा आते रहते हैं क्योंकि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सब्जेक्ट है वो सबके एंगल पे डिपेंड करता है कि आपका एंगल क्या है, किसी क्वेश्चन को आपका देखने का जो नजरिया है वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब बुक का स्टाइल अलग अलग होता है, सबके लिखने का स्टाइल अलग अलग होता है, जैसे मैं सोर्स इंडक्टेंस के कारण जब रिजल्ट लिख रहा था 4FLSI0 तो आपको यकीन नहीं होगा लेकिन पीएस भीमरा की बुक में ये रिजल्ट गलत लिखा है, वो 2FLSI0 लिखा हुआ है, तो कई बार ऐसा होता है कि बुक में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो आपको अच्छे फॉर्म में आइडिया होना चाहिए कि किन जगह पे कैसे आपको यूज करना है करके, ठीक है, तो आप अनकंट्रोल रेक्टिफायर को अच्छे से हैंडल कर लोगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूं, फिर भी आप बताइएगा आपको जैसा भी लगा होगा आपके कमेंट्स में आप बताइएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।